Let x be a positive integer so that 7x plus 96 is divisible by x. How many values of x are possible? दिया है कि 7x plus 96 ये एक से डिवाइड हो जाता है, तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x कितने होंगे वो निकालना है। तो इतना से अगर एक से डिवाइड करें तो इक्वल टू लिख सकते हैं 7x डिवाइडेड बाई x प्लस 96 डिवाइडेड बाई x, इक्वल टू क्या हो गया 7 प्लस एक्स एक्स कट जाएगा, 7 प्लस 96 डिवाइडेड बाई x। तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x वो होंगे जो 96 को कम्प्लीटली डिवाइड कर देगा। तो हम 96 के कितने फैक्टर्स होंगे वही पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x हो जाएंगे। तो टोटल पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ 96 कितने होंगे, उतने ही नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x होंगे। तो 96 को हम फैक्टराइज करेंगे, सबसे पहले ये हो गया 2 से डिवाइड करेंगे, ये हो गया 48, अगेन 2 से 24, 2 अगेन इट इज 12, अगेन 2 से करेंगे ये हो गया 6, देन 2 3। सो 96 इज इक्वल टू हाउ मेनी टाइम्स, इट बिकम्स 2 टू द पावर 5 इंटू 3 टू द पावर 1। तो ये हो गए। अब इसके टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल फैक्टर्स कितने हो सकते हैं, नंबर ऑफ पॉसिबल फैक्टर्स इक्वल टू क्या होंगे, तो कितने पावर्स जितने हैं उसमें एक एक जोड़ करके मल्टीप्लाई करते हो गया 5 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 इक्वल टू हो गया 6 इंटू 2 इक्वल टू 12। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स इक्वल टू 12, ये हो गया आपके आंसर। तो एज ए रूल अगर ए टू द पावर एम इंटू बी टू द पावर एन इस तरह से कोई फैक्टराइजेशन करके आया है तो उसके टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल फैक्टर्स कितने होंगे, एम प्लस 1 इंटू एन प्लस 1, तो ये पॉसिबल नंबर ऑफ फैक्टर्स हो जाएंगे। इसलिए इस केस में पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स, हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ एक्स आर पॉसिबल इज 12, 12 इज द आंसर।